नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आज आप सभी के समक्ष सीएफएम राइटर्स एसोसिएशन के बहुत ही खूबसूरत पेज पर एक बहुत खूबसूरत शाम सजाने आई हूँ। कहते हैं बचपन की सुंदर और कोमल एहसास, उनकी मासूमियत और उनके सच्चेपन को अगर कोई कवि अपने रचनाओं में चरितार्थ करना चाहे या उनको उकेरना चाहे तो ये कोई आसान कार्य नहीं। बहुत ही मुश्किल है नन्हे बच्चों के नन्हे सपनों को अपने कागजों पर उतारना, लेकिन जहाँ छोटे बच्चे अपनी छोटी सी कलम को और अपने छोटे से सपनों को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा काव्य पाठ हमारे समक्ष रखते हैं तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं श्रोताओं के हृदय को और उनकी अंतस मन को स्पर्श करता है। आइए हम इसी खूबसूरत शाम को लेकर आपके साथ आगे बढ़ते हैं, जहां हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पुष्प आपको अपनी बगिया में लेकर जाएंगे और अपने काव्य पाठ के साथ आपको महक बहुत ही सुंदर सुगंध आपके साथ लेकर चलेंगे। पहले हमारी छोटी सी कंटेस्टेंट आएंगी प्रेरणा दास अधिकारी, जो माउंट लिट्रा जी स्कूल काशी से है, ये 5 वर्ष की है। दूसरी कंटेस्टेंट हमारी है अहाना मंडल, जो 3 वर्ष की है और माउंट लिट्रा जी स्कूल काथी से हमारे बीच आई हैं। तीसरी हमारे बीच हमारी छोटी सी कवित्री है रिद्धि बर, जो 5 वर्ष की है, माउंट लिट्रा जी स्कूल से अपनी बहुत ही प्रिय शिक्षिका नीरू सिंह जी के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होंगी। दूसरे हमारे बीच HM एजुकेशन सेंटर से श्रीमती रेखा सिंह जी अपने 2 बच्चों को लेकर आई हैं, अपने स्कूल के 2 बच्चों को लेकर आई हैं। 9 वर्ष की स्नेहा शर्मा हमारे बीच उपस्थित, ये छोटे छोटे कलाकार आपके समक्ष बहुत ही सुंदर अपना काव्य पाठ करेंगे। कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जी हाँ, आपको बहुत खूबसूरती से याद आया होगा निदा फासली साहब के ये शब्द, और मैं इन्हीं शब्दों को लेकर जरा सा आगे बढ़ती हूँ और अपने ही शब्दों से ये समर्पण देती हूँ कि नया कुछ गीत गाएं हम, नया कुछ गीत गाएं हम, बच्चों संग बच्चा बन जाएं हम, उलझन इस बगिया की, उलझन की इस बगिया में खुशियों के फूल खिलाएं हम, कि नया कुछ गीत गाएं हम, बच्चों संग बच्चा बन जाएं हम, उलझन की इस बगिया में खुशियों के फूल खिलाएं हम, बातें चांद सितारों की ना, बातें चांद सितारों की ना, न बातें जमीन आसमां की हों, बातें जगमग जुगनू की और रंग बिरंगी तितली की हों, नन्हे नन्हे सपनों की हों, मासूम मुस्कानों की बातें हों, छल कपट से दूर निर्झर झरने के बहते पानी की हों। जी हाँ, मैं इन्हीं छोटे छोटे झरने के बहते हुए पानी के जैसे निश्चल मन वाले बच्चों को बुलाने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पहली कंटेस्टेंट हमारी प्रेरणा दास अधिकारी, दूसरी आहाना जी, तीसरी रिद्धि बर, चौथी स्नेहा और पांचवी सारा आपके बीच रहेंगी और हम सभी के समक्ष काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगी। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि बच्चों को अपने शुभ आशीर्वाद से फलीभूत करें और हमारे साथ इस कवि सम्मेलन में अंत तक इस यात्रा में हमारा साथ दें। आवाज देती हूँ प्रेरणा दास अधिकारी माउंट लिट्रा जी स्कूल काथी से 5 वर्ष। सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रेरणा दास अधिकारी माउंट लिट्रा जी स्कूल पश्चिम बंगाल की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ अपनी कविता प्रस्तुत करने आई हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं कोलफील्ड मिरर राइटर्स एसोसिएशन मंच को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया, और साथ ही साथ मैं जहांगीर सर और अलका मैम को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। मैं अपनी शिक्षिका नीरू सिंह को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच का रास्ता दिखाया। तो मेरे पहले कविता का शीर्षक है मैदान। गली कूचे में खेलते बच्चे खुल के न मार पाते चौके छक्के, सुन गेंद की आवाज चिल्लाई बूढ़ी अम्मा, करती क्यों हो टन टन सर पे, बोला उनमें से एक बच्चा, बता दो कहाँ जाए अम्मा, कर लिया तुमने तो कब्जा, खड़ा आलिशान मकान तुम्हारा, लापता मैदान हमारा, खड़ा आलिशान मकान तुम्हारा, लापता मैदान हमारा,
सबका है अपना अपना आशिया, सबका है अपना अपना आशिया, कहाँ है आसमां दिखा दो जरा। जैसे बट रहे हैं घर, बिक रहे हैं घर यहाँ, जैसे बट रहे हैं घर, बिक रहे हैं घर यहाँ, नाम को रह जाएगा मैदान यहाँ, नाम को रह जाएगा मैदान यहाँ, कहने को तसल्ली दे दिया पा, जहाँ बुढ़ापा बीत रहा वहाँ बचपन कैसे खेले। इस गली उस गली भटक रहे अपना बचपन बिताने को, पलट के देखे जब कभी तो रह जाएं कुछ यादें हमारी भी, पलट के देखे जब कभी तो रह जाएं कुछ यादें हमारी भी। घरों में कैद बचपन हमारा, हाथ पैर सिकोड़े जाए तो जाए कहाँ, अब मैदान नहीं यहाँ। घरों में कैद बचपन हमारा, हाथ पैर सिकोड़े जाए तो जाए कहाँ, अब मैदान नहीं यहाँ। होगा वो अनोखा बचपन जो बीता होगा पगडंडियों पे, होगा वो अनोखा बचपन जो बीता होगा पगडंडियों पे। सुन यह बोला देशी बच्चा, होता क्या है मैदान, मैंने गांव में न कहीं सुना, है ये शहर की वो अनोखी जगह, जहाँ थोड़ी सी जमीन पर थोड़ा सा खुला आसमां होता है। है ये वो शहर की अनोखी जगह, जहाँ थोड़ी सी जमीन पर थोड़ा सा खुला आसमां होता है। धन्यवाद। तो अब मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीशु अनिश्चितता में साथ रहे। कांपती है वज्र की दीवार, निव में से आ रहा है छिन्न हाहाकार, जानते हो कौन नीचे दब गया है, दर्द की आवाज पहले भी सुनी थी, या कि यह दुष्कांड बिल्कुल ही नया है। वस्त्र जब नूतन बदलते हो, किसी दिन खून के छींटे पड़े भी देखते हो, वस्त्र जब नूतन बदलते हो, किसी दिन खून के छींटे पड़े भी देखते हो। रात को सूनी सुनहरी कोठरी में मौन कुछ मुर्दे खड़े भी देखते हो, रोटियों पर कौर लेते ही कहीं से अश्रु की भी बूंद क्या चूती कभी है, रोटियों पर कौर लेते ही कहीं से अश्रु की भी बूंद क्या चूती कभी है। बाग में जब घूमते हो शाम को, तब सनसनाती चीज भी छूती कभी है, जानते हो यह अनोखा राज क्या है, वज्र की दीवार यह क्यों कांपती है, और गूंगी ईंट की आवाज क्या है, तोड़ दो इसको महल को पस्तो, बर्बाद कर दो नीस की ईंटें हटाओ, दब गए हैं जो अभी तक जी रहे हैं, दब गए हैं जो अभी तक जी रहे हैं, जीवितों को इस महल के बोझ से आजाद कर दो, तोड़ना है पुण्य जो जोड़ो खुशी से, जोड़ने का मोह जी का काल होगा, अनसुनी करते रहे इस वेदना को, एक दिन ऐसा अचानक हाल होगा, वज्र की दीवार यह फट जाएगी, वज्र की दीवार यह फट जाएगी, लपलपाती आग यह सात्विक प्रलय का रूप धरकर निव की आवाज बाहर आएगी। वज्र की दीवार जब भी टूटती है, निव की यह वेदना विकराल बनकर छूटती है, तो दौड़ता है दर्द की तलवार बनकर, दौड़ता है दर्द की तलवार बनकर, पत्थरों के पेट से नरसिंह ले अवतार, कांपती है वज्र की दीवार, कांपती है वज्र की दीवार। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। नमस्कार, मेरा नाम नीरू सिंह है। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी अपने प्यारे बच्चों को, जो लॉकडाउन में विद्यालय चले हैं ऑनलाइन, उसके ऊपर है। ऐसा बरसा कहर के बच्चे हुए कैद, ऐसा बरसा कहर के बच्चे हुए कैद, गूंजती थी जहाँ किलकारियाँ डोलती है वहाँ अब मायूसी, लगती थी रोज होड़ सामने बैठने की, लगती थी रोज होड़ सामने बैठने की, आज सामने बैठा सब हर कोई, पीछे बैठा कोई नहीं, आज सामने बैठा हर कोई, पीछे बैठा कोई और नहीं।
मिलती न थी जहाँ फुर्सत आराम की। बच्चों को क्लास वर्क, होमवर्क, बहुत सारे काम रहते थे। मिलती न थी जहाँ फुर्सत आराम की, मिलती न थी जहाँ फुर्सत आराम की, और अब आराम के अलावा और कोई काम नहीं, अब आराम के अलावा और कोई काम नहीं। बंधी थी पारी सबकी आगे बैठने की, बंधी थी पारी सबके आगे बैठने की, बनी दूरी ऐसी कि तरसे जी देखने को, बनी दूरी ऐसी कि तरसे जी देखने को। बकबक करते गला दुखता था, बकबक करते गला दुखता था, अब बोलने को तरसते हैं। बकबक करते गला दुखता था, अब बोलने को तरसते हैं। घिरे रहते थे जहां समस्याओं से, अब घिरे बैठे हैं एकांत से। खाली बेंचों को देख पढ़ाना, अभी कुछ विद्यालय खुल चुके हैं जहां शिक्षकों को विद्यालय से कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं, तो हमारी उस स्थिति क्या है। खाली बेंचों को देख पढ़ाना, ऑनलाइन एक छोटी सी खिड़की से, एक सवाल पे 10 जवाब आते थे, जहां पहले एक सवाल पे 10 जवाब आते थे, अब तो म्यूट एंड म्यूट में उलझे रहते हैं, अब तो बेचारे म्यूट एंड म्यूट में ही पड़े रहते हैं। हम माली इस बगिया की फूल नदारत हर बगिया से, हम माली इस बगिया से फूल नदारत हर बगिया से। कब वो दिन लौटेंगे, कब वो दिन लौटेंगे, जब विद्यालय के गलियारे चहकेंगे। धन्यवाद। मैं CFM राइटर एसोसिएशन और जहांगीर आलम सर, डॉक्टर अलका मैम को तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि जिन्होंने यह मंच प्रदान किया है बच्चों को, कि जहां बच्चे आकर खुलकर अपनी प्रतिभा दिखा पाए, अपनी प्रस्तुति दे पाए, और वह श्रोतागणों से मीठे मीठे शब्द सुनकर प्रोत्साहित हो सके। ऐसा मंच बच्चों को मिलना इस लॉकडाउन में आसान न था, पर CFM राइटर्स एसोसिएशन मंच ने बच्चों को यह मंच प्रदान कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उनके इस कार्य के लिए मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूं कि भविष्य में वह बच्चों के लिए ऐसे ही मंच बनाते रहें और बच्चों को आमंत्रित करते रहें, जिससे बच्चे अपनी खुल की प्रतिभा दिखा पाएं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आना मंडल कक्षा 3 की छात्रा हूँ। सबसे पहले CFM राइटर्स एसोसिएशन मंच को आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है, और साथ ही साथ जहांगीर आलम सर और डॉक्टर अलका मैम को भी धन्यवाद जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। मैं अपनी शिक्षिका नीरू मैम को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच का रास्ता दिखाया। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए सरस्वती वंदना सुनाना चाहूंगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरे शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ। अब मैं एक देश गीत सुनाना चाहूंगी। मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। जो ज्वाला नभ में बिजली है, जिससे रवि शशि ज्योति जली है, तारों में बन जाती है शीतलतादायक उजियाला। मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। फूलों में जिसकी लाली है, धरती में जो हरियाली है, फूलों में जिसकी लाली है, धरती में जो हरियाली है, जिससे तप तप कर सागर जल बनता शाम घटाओ वाला। मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। कृष्ण जिसे वंशी में गाते, राम धनुष टंकार बनाते, जिसे बुद्ध ने आंखों में भर बांटी थी अमृत की हाला,
जिसे बुद्ध ने आंखों में भर बाटी थी अमृत की आला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। जब ज्वाला से प्राण तपेंगे तभी मुक्ति के स्वप्न ढलेंगे, जब ज्वाला से प्राण तपेंगे तभी मुक्ति के स्वप्न ढलेंगे। उसको जो कर्मित साथे भी होगी चिंगारी की माला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज आप सभी के समक्ष CFM राइटर्स एसोसिएशन के खूबसूरत पटल पर बहुत ही खूबसूरत कवि सम्मेलन लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कहते हैं कि बचपन की सुंदर और कोमल एहसास, उनकी मासूमियत और सच्चेपन को अपनी रचनाओं में चित्रित करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। बचपन के खूबसूरत एहसास, बचपन की नन्ही हथेली पर रखे सपने, बचपन की ही कलम से अगर संवारे जाएं तो एहसास खूबसूरती के पैदा होते हैं और सुनने वाले को भी निस्संदेह हृदय तल तक स्पर्श करते हैं। ऐसे ही खूबसूरत एहसास को लेकर हम आज आगे बढ़ते हैं। निधा, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रिद्धि बर कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष दो कविताओं के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। अब मैं CFM राइटर्स एसोसिएशन मंच को आभार व्यक्त करना चाहूँगी और साथ ही साथ जहांगीर आलम सर और डॉक्टर अलका मैम को भी धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं अपनी हिंदी शिक्षिका नीरू मैम को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच का रास्ता दिखाया। मेरे पहले कविता का शीर्षक है चेतना। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल। अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तो चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, बहुत हुआ अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या खोना है, तेरी मिट्टी में सोना है, तू अपने को तोल। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, दिखला कर भी अपनी माया, अब तक जो ना जगत ने पाया, देकर वही भाव मन भाया, जीवन की जय बोल। अरे भारत उठ आंखें खोल, तेरी ऐसी वसुंधरा है जिस पर स्वर्ग स्वर्ग उतरा है, अब भी भाव भाव भरा है, उठे कर्म कर लो, उठे कर्म कर लो। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। धन्यवाद। अब मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है शिक्षण। भय रहित भव सिंधु तैरना सीख ले कोई यहाँ, भय रहित भव सिंधु तैरना सीख ले कोई यहाँ, विश्व में आकर विचरना सीख ले कोई यहाँ, विश्व में आकर विचरना सीख ले कोई यहाँ, ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक कठिन कर्म क्षेत्र में, चाहिए कैसे उतरना सीख ले कोई यहाँ, मुक्ति तो है साथ ही हम सर्वदा स्वच्छंद है, वासना बंधन कतरना सीख ले कोई यहाँ, कर्म है जितने सभी प्रभु नाम पर होते रहे, एक मन में ध्यान धरना सीख ले कोई यहाँ, आपदा में संपदा में हर्ष में या शोक में, चित्त को चंचल ना करना सीख ले कोई यहाँ, त्याग में सर्वस्व क्या उत्सर्ग करना आपको, स्वार्थ में सर्वत्र डरना सीख ले कोई यहाँ,
ऋषि जनों की रीति थी अपने लिए जीते ना थे। ऋषि जनों की रीति थी अपने लिए जीते ना थे। प्रेम में निर्मोह मरना सीख ले कोई यहाँ। प्रेम में निर्मोह मरना सीख ले कोई यहाँ। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। नमस्कार, मैं रेखा सिंह, HM एडुकेशन सेंटर की हिंदी अध्यापिका, आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं CFM राइटर्स एसोसिएशन के संस्थापक श्रीमान जहांगीर आलम एवं डॉक्टर अलका अरोड़ा का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन कर मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी सहभागिनी नीरू सिंह, जो कि स्वयं एक उभरती हुई कवित्री है, का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे याद रखा और इस मंच से अवगत कराया। शुक्रिया नीरू जी। साथियों, सर्वविदित है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को अनवरत जारी रखने की जरूरत है और नए नए प्रयास तथा आयामों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ कि यह आयोजन भी इसी उद्देश्य को सार्थक करने का एक प्रयास है। आज का यह मंच हमारे बीच उदित हो रहे नव प्रतिभाओं को मंच देने का अवसर प्रदान करने का है, ताकि वे अपने सुसुप्तावस्था में पड़ी प्रतिभा को उभार कर उन्मुक्त कंठ से अभिव्यक्त कर सकें और आप सभी का स्नेह प्राप्त कर सकें। मैं इस पावन अवसर पर अपने विद्यालय की दो प्रतिभागियों सारा अली खान और स्नेहा शर्मा, जो कि कक्षा 9वीं की विद्यार्थी हैं, को कविता प्रस्तुत करने और सभी प्रतिभागियों बच्चों का हौसला अफजाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्वास है कि बच्चे भी इस मंच को पाकर प्रफुल्लित हुए होंगे और वे अपने छोटे से प्रयास से आप सभी के हृदय में स्थान प्राप्त कर से, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अंत में मैं पुनः CFM राइटर्स एसोसिएशन को अवसर प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्नेहा शर्मा, कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम HM एजुकेशन सेंटर है। आज मैं यहाँ कविता प्रस्तुत करने आई हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। यह मंच प्रदान करने के लिए CFM राइटर्स एसोसिएशन मंच का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है, और साथ ही साथ जहांगीर आलम सर और डॉक्टर अलका मैम को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। रेखा मैम को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच का रास्ता दिखाया है। मेरी कविता का नाम है देखो देखो होली है आई। देखो देखो होली है आई, चुन्नू मुन्नू के चेहरों पर खुशियां है आई। मौसम ने ली है अंगड़ाई, शीत ऋतु की हो रही है विदाई। ग्रीष्म ऋतु की आहट है आई, सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई। देखो देखो होली है आई, देखो देखो होली है आई। बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई, रंग बिरंगी पिचकारियां बाबा से है मंगवाई। रंगों और गुलाल की सूची है रखवाई, जिसकी काका ने अनुमति है नहीं दिलवाई। दादाजी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, देखो देखो होली है आई। होली ने भक्त प्रहलाद की स्मृति है करवाई, बच्चों और बड़ों ने कचरे और अवगुणों की होली है जलाई। होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी प्रेम की जड़ों की गहराई। बच्चों अब है परीक्षा की घड़ी आई, तल्लीनता से करो पढ़ाई, वरना सहनी पड़ेगी पिटाई। अथक परिश्रम पुनरावृत्ति देगी सफलता, अपार जन जन की मिलेगी बधाई। होगा प्रतीत ऐसा होली से खुशियां है फिर लौट आई, देखो देखो होली है आई। धन्यवाद। छोटे बच्चों के इतने सुंदर काव्य पाठ से मंत्रमुग्ध वातावरण से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन समय की अपनी सीमा है। हर चीज को एक वक्त दिया है ईश्वर ने, उसको निश्चित समय पर खत्म हो जाना ही चाहिए।
मैं बहुत ही सुंदर, मुझे अपने ही लिखे कुछ शब्द याद आ रहे हैं कि दीप से दीप जलने जैसा रोशन समा आज बनाया, इन नन्हे प्रहरी ने देखो नई भोर का सूर्य उगाया, है छोटे सिपाही कलम के कद ऊंचा जग में कर रहे, भारत भूमि से वंदन तुमको शुभ स्नेहाशीष तुम्हें नित दे रहे। जी हाँ, इन्हीं स्नेहाशीष आशीर्वादों के पुष्प देने के लिए मैं आप सभी श्रोताओं का, जहांगीर आलम सर का, नीतू रेखा सिंह मैम का और प्रिय नीरू सिंह मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, तथा बहुत ही सुंदर बच्चों को प्रेरणा दास अधिकारी जो 5 वर्ष की हैं, आहाना मंडल जो 3 वर्ष की, रिद्धि बर जो 5 वर्ष की, स्नेहा शर्मा जो 9 वर्ष की और सारा खान जो 9 वर्ष की हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर अपना काव्य प्रस्तुति दी। मैं इनको बहुत ही बहुत प्यार के साथ, बहुत ही अपने आशीष के साथ मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, CFM राइटर्स एसोसिएशन के पटल की ओर से तथा जहांगीर आलम सर की ओर से, जिन्होंने इतने खूबसूरत पटल पर इनको बच्चों को आमंत्रित किया। मैं 2 शब्दों से CFM राइटर्स पटल को, राइटर्स एसोसिएशन के पटल को समर्पण देती हूँ और फिर अपनी काव्य यात्रा यहीं पर हम समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर अगली किसी कड़ी में। कहते हैं कि काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, लेकिन उससे पहले आप सभी ने काव्य पाठ करके दिखाया है कि कद इतना ऊंचा है हमारे पटल का कि हम सभी सम्मानित कवियों को बुलाते हैं, इतने छोटे भी हैं हम कि नन्हे नन्हे फूलों को भी बुलाते हैं, माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे, माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे, CFM राइटर्स एसोसिएशन के गौरव की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान है। मैं अपने खूबसूरत CFM राइटर्स एसोसिएशन के पटल से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम और शुभकामनाओं के पुष्प से समर्पण देती हूँ, तथा एक बार फिर अपने प्रिय बच्चों को, प्रेरणा दास को, आहाना को, रिद्धि को, स्नेहा को और सारा को बहुत बहुत और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदाई देती हूँ कि आप हमेशा जिंदगी में बहुत ऊंचा मकाम हासिल करें और जहाँ भी जाएं बहुत ही इसी तरीके से अपनी खूबसूरती से हर जगह अपनी महक और अपनी सुगंध बिखेरती रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और मैं नमन देती हूँ, सभी श्रोताओं को वंदन देती हूँ, प्रणाम देती हूँ, प्रणाम आप सभी को।